हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आपको मेरा वॉइस भी चेंज लग रहा होगा। और रीज़न ये है कि अभी जैसे कि मौसम का कुछ पता नहीं, तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्नेल इंग्लिश में और इन आवर लैंग्वेज इन आदिवासी बोलते हैं हम लोग उसको घोंगी। ठीक, तो हम लोग वो बनाएंगे, हम लोग नहीं मैं, तो मैं उसको बनाऊंगी। उसका प्रोसेस कैसा होता है साफ़ करने का, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी और कुकिंग भी करके बताऊंगी। उसके बाद में हम उसे लास्ट में उसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक और देखिए कि हम लोग स्पेशली कैसे बनाते हैं उसको। और बाय द वे, घोंगी मेरा फेवरेट। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो का स्टार्ट करेंगे। ओके, ये जो है इसका ढक्कन निकाला हुआ है और यहाँ पे है बाकी ये पॉन्स। सबको तो आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा और निकाल लेते हैं, बहुत कम लग रहा है।
तो हम लोग का दाल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मैं बनाने वाली हूँ दाल के साथ, तो ये हो चुका है। तो अभी हम इधर रेडी करते हैं मेरे का ऑर्डर, रेडी करते हैं। हम लोगों का कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें देंगे सरसों का तेल, ये थोड़ा झोल बनेगा इसलिए उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। हम लोगों के पास यहाँ पे मैंने ये काट के रखा हुआ है प्याज और टमाटर, और बाकी जो मसाला है वो उसकी लोट में पीसा हुआ है। इसमें है जीरा, मिर्ची और अदरक लहसुन, जैसे कि आपने देखा था और मैंने बताया था। ये तेल गरम होने दे लेते हैं, अभी गरम नहीं हुआ। और बाहर देख सकते हैं बहुत अंधकार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि रात हो चुकी है। और ये हम लोगों का बन रहा है डिनर, प्याज ब्राउन हो गया है, अभी हम लोग इसमें देंगे टमाटर, टमाटर दे देते हैं। अब ये टमाटर से पकेगा, नमक का छिड़काव कर देंगे तो टमाटर जल्दी पक जाएगा। ये हो चुका है दाल, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा होगा इसलिए ये पक गया है, जब तक तक रेडी हो जाएगा। अब ये दोनों हो चुका है, अब हम इसमें देंगे ये भूंगे जो हम लोगों ने धो के अच्छे से करके रखा हुआ, तो इसको दे देते हैं। मैं इसमें अभी दे दे रही हूँ नमक, थोड़ा हल्दी, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर,
बस इतना ही। और ज़्यादा कुछ नहीं देना इसमें, गरम मसाला वो ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इसलिए गरम मसाला तो नहीं देंगे। और नहीं उसको देने का ज़रूरत नहीं है, जैसे कश्मीरी लाल मिर्ची ज़्यादा तीखा भी नहीं खाना है, देसी प्लेन खाना है उसको, इसलिए नॉर्मल रहेगा ये। तो थोड़ा सा फ्राई होगा उसके बाद में हम लोग अपने जो दाल हमने बॉईल करके रखा हुआ है इधर ये डालेंगे। तो ये हो चुका है, अब इसमें हम लोग डाल देंगे जो हम लोगों का दाल था। दाल को दे देते हैं दाल दे दिया है, अब कुछ नहीं करना है। अब इसमें हम लोगों को नमक देना है और बस थोड़ा बॉईल करना है। अब ये इसको थोड़ा चलाएंगे, और ये अपना होते रहेगा। इसको होने के लिए तो टाइम चाहिए क्योंकि जो घोंगी है वो थोड़ा टाइम लेता है पकने में, इसलिए आँच धीमी कर देंगे, धीमी धीमी पकता रहेगा। ठीक है, जो डिनर है वो रेडी हो रहा है। शाम को हम लोग रोटी खाते हैं, लेकिन आज मैं नहीं खा रही हूँ, तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा और पकेगा। तो उन लोगों का ये खाना बन के रेडी, सब्जी भी रेडी हो गया है, और इसमें हम लोग ने आलू भी डाल दिया। बाद में वो हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि जल्दबाजी में थे। तो अभी बन के रेडी हो गया, अब हम इसे खाएंगे, टेस्ट करेंगे।